एक एक व्यक्ति को 10 लाख का लिस्ट निकाल कर पूरे बिहार के लोगों का बताने का काम करेंगे। और ये गारंटी है, ये लालू प्रसाद जी का राज नहीं है कि 15 साल में 1 लाख लोगों को अपने परंपरागत सीट जिस पर उनकी दादी, उनके दादा, उनके परदादा लड़ते रहे, अब उसको भी छोड़कर पूरा खानदान भाग गया। तेजस्वी यादव के नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिन्हा। एक और जहां लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर तैयारियां तेज हैं, तो वहीं दूसरी ओर लगातार जनसभाएं की जा रही है। इसी कड़ी में आपको बता दें कि सम्राट चौधरी जहां एयरपोर्ट पर निकल रहे थे, तभी सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया है और सम्राट चौधरी ने ये तक कह दिया है कि वो 10 लाख रोजगार देने वाले हैं। रोजगार को लेकर एक और जहां सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष पर भी हमला बोला है। क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी, पहले आप वो सुनिए। एकदम स्पष्ट तौर पर लिख के रख लीजिए, 2025 के नवंबर में जब चुनाव होगा, 10 लाख सरकारी नौकरी का जो वादा आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किया है, एक एक व्यक्ति को 10 लाख का लिस्ट निकाल कर पूरे बिहार के लोगों का बताने का काम करेंगे। और ये गारंटी है, ये लालू प्रसाद जी का राज नहीं है कि 15 साल में 1 लाख लोगों को। राहुल गांधी पार्टी है, राहुल गांधी राय बोले लोकसभा चुनाव लड़ेगा पहले अमेठी से। ये डर देखिए, ये डर है, यही तो डर है। पहले डर था तो मंदिर तक पहुंचाया हम लोगों ने, मंदिर भी पूजा करना पड़ रहा है। और राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और पूरा प्रियंका गांधी जी अपने परंपरागत सीट जिस पर उनकी दादी, उनके दादा, उनके परदादा लड़ते रहे, अब उसको भी छोड़कर पूरा खानदान भाग गया। तेजस्वी यादव के सुना आपने किस तरीके से सम्राट चौधरी ने रोजगार पर कह दिया है कि 10 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, विपक्ष पर हमला भी बोले हैं। इसलिए जो भी अपडेट है वो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सही खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ पीआर के साथ।